विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉक्टर कमला सिंह ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल के विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है। उन्होंने बताया कि मधुमेह एक लाइफस्टाइल बीमारी है और इसे खत्म करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की जरूरत है। जरूरत है शारीरिक कसरत करने की और शारीरिक व्यायाम की। तो ये बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश में इस समय अगर स्थिति पूछी जाए कि डायबिटीज के कितने पेशेंट हैं, कितने? नॉट ओनली इन हरियाणा, मैं ये कहूंगी कि डायबिटीज जो है हमारे पूरे देश में 50%, पहले कहते थे कि हर चार में से एक आदमी डायबिटीज से ग्रसित है, लेकिन आज के दिन इतना इंसिडेंस बढ़ चुका है कि दो आदमियों में से एक आदमी को डायबिटीज निकलेगी। मतलब हमारी 50% पॉपुलेशन, अगर इसका हम प्रिवेंशन नहीं करेंगे तो इज गोइंग टू हैव डायबिटीज इन दी लाइफ, कभी भी हो सकती है। मतलब इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि छोटी उम्र है या बड़ी है। हाँ, डायबिटीज जो है दो तरह की होती है, छोटी उम्र के बच्चे भी इससे अफेक्टेड हो सकते हैं, और एक जो होती है लेट उम्र में जो 45 या 35 साल के बाद अपीयर होती है। परंतु जो ज्यादा खतरनाक है वो है अगर ये यंग एज में करती है, और वो भी उसका इंसिडेंस भी अब सोसाइटी में बढ़ रहा है। सो इसकी प्रिवेंशन जो है, और एक डायबिटीज ही ऐसी है अगर आप उसको प्रिवेंट कर लो तो कम से कम आप 10 तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। आपका हॉस्पिटल इस दिशा में क्या काम कर रहा है? पारस ब्लिस हॉस्पिटल जो है, मतलब कि हमारा हॉस्पिटल इज वेरी वेल इक्विप्ड टू टैकल ऑल काइंड ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड ऑल काइंड ऑफ एमरजेंसीज। कि जैसे डायबिटीज में प्री टर्म डिलीवरीज का बहुत मतलब जैसे हाई रिस्क होता है, तो इसमें हम हर तरह के प्री मेच्योर, मतलब हमारे पास बहुत अच्छा लेवल 4 NICU है जिसमें सारे तरह के प्री टर्म बेबीज हम देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, और जो भी कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो हमारे पास ICU भी है ताकि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और अभी हमने एक केस किया भी था जिसका मतलब वो मदर वाज हैविंग लो प्लेटलेट्स, तो उसको मतलब कि बहुत अच्छे से एंड शी इज वेरी वेल सेटिस्फाइड।